प्रदेश के सुल्तानपुर में एनकाउंटर के बाद से लूट के बाद एनकाउंटर के बाद से लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दूसरे पर हमलावर हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार कह रहे हैं कि माफिया कितना बड़ा भी हो, अपराधी कितना बड़ा भी हो, किसी का भी संरक्षण हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। वहीं अखिलेश यादव इस एनकाउंटर को जाति से जोड़ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सियासी घमासान। अखिलेश ने एनकाउंटर पर उठाए सवाल, फायर हो गए सीएम योगी आदित्यनाथ। जितना बड़ा गुंडा और माफिया होता था समाजवादी पार्टी में उतना बड़ा ओहदा उसको दे दिया जाता था। जब मंगेश यादव ने सुल्तानपुर की एक ज्वेलरी शॉप में लूटपाट की थी तो अखिलेश यादव ने ही ट्वीट करके सबसे पहले निशाना साधा था। अखिलेश यादव ने तो योगी सरकार की कानून व्यवस्था को ही जीरो बता दिया था। उस समय अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा था कि सुनार की दुकान पर हथियार के बल पर 5 करोड़ रुपए की बेखौफ लूटपाट दिखाती है कि भाजपा राज में किसका अमृतकाल चल रहा है। लूटपाट की घटना के बाद अखिलेश यादव ने एक के बाद एक ट्वीट किए थे और उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। लेकिन जब यूपी पुलिस ने बदमाश मंगेश यादव को एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया तो अखिलेश यादव को पुलिस की पूरी कार्रवाई ही फेक नजर आने लगी और अखिलेश अब एनकाउंटर को ही फर्जी बताने में जुट गए। अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि मंगेश यादव की जान सिर्फ जाति देख कर ली गई। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव मृतक मंगेश यादव के परिवार को मुआवजा देने की मांग तक करते नजर आए। चूंकि एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव का सख्त रुख देखने को मिला, इसलिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ अंबेडकर नगर में रैली करते हुए अखिलेश यादव पर बुरी तरह भड़क गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कह दिया कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती और पुलिस जाति देखकर किसी बदमाश को दंड नहीं देती। व्यापारी के साथ सरेआम लूटो, डकैती डाल करके करोड़ों रुपए की डकैती डाल दी जाए, अगर डकैत हत्या करके भाग गया और पुलिस के पास सुराग नहीं मिलती तो यही लोग बोलते देखिए साफ अराजकता है। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी और फिर आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है, कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए था, पूछना चाहिए। क्योंकि अखिलेश यादव ने सीएम योगी को उकसाया, इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव का उनका कार्यकाल याद दिला दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया कि 2017 के पहले वाला जमाना चला गया, आज अपराधी अपराध करेगा तो वो उसका आखिरी अपराध होगा। 17 के बाद एक एक करके माफिया कहां चले गए ये भी आप सब जान रहे हैं। माफियाओं की छुट्टी हो गई, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर जो खतरा पैदा करते थे वे सभी गायब हो गए और जो बचे हैं वे भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। फिलहाल मंगेश यादव एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच होनी है जिसकी रिपोर्ट जल्द ही आएगी। देखना होगा कि जांच रिपोर्ट में क्या कुछ सच्चाई निकलकर सामने आती है और एनकाउंटर पर जारी सियासत आगे कहां तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। समाजवादी पार्टी के जो नेता मऊ के मामले में फरार घोषित बताए जा रहे हैं वो आत्मसमर्पण कर देंगे, मुठभेड़ हो जाएगी ना तो बाद में फिर अखिलेश यादव जी तमाम छाती पीटने का काम करेंगे। और समाजवादी पार्टी के एक और नेता पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। पहले मोहित खान, उसके बाद नवाब सिंह यादव और अब मऊ के वीर बहादुर पाल पर उनकी ही महिला सहयोगी ने उन पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। न सिर्फ दुष्कर्म का बल्कि ब्लैकमेल करने का, डराने का भी आरोप लगाया है, जिसको अब देखते हुए बीजेपी भी समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो गई है। रिपोर्ट दिखाते हैं। पहले मोहित खान, फिर नवाब सिंह यादव और अब वीरेंद्र बहादुर पाल।
नाम भले अलग, शहर भले अलग हैं, लेकिन आरोप और पार्टी एक, आरोप रेप और ताल्लुक रखते हैं समाजवादी पार्टी से, उसी पार्टी से जिसके अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव हैं। वही अखिलेश यादव जो लूट एनकाउंटर दूसरे राज्य में महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ होने पर चीख चीख कर इंसाफ की गुहार लगाते हैं, लेकिन जब उनकी पार्टी के नेताओं पर रेप के आरोप लगाते हैं तो वो मौन हो जाते हैं। खैर, अखिलेश इस बार भी कुछ नहीं बोलेंगे, पूरे मामले से अनजान बने नजर आएंगे, लेकिन मऊ में हुआ क्या पहले वो जान लेते हैं। मऊ के रहने वाले पूर्व प्रदेश सचिव वीरेंद्र बहादुर पाल के खिलाफ रेप के मामले में FIR दर्ज हुई है। सपा नेता की महिला सहयोगी ने ही रेप की धाराओं में केस दर्ज कराया है। पीड़िता का आरोप है कि रेप का वीडियो बनाकर उसे वीरेंद्र ब्लैकमेल करता था और जान से मारने की धमकी देता था। आरोपी सपा नेता वीडियो और फोटो के जरिए पिछले एक साल से दुष्कर्म कर रहा था। FIR दर्ज होने के बाद से आरोपी नेता वीरेंद्र बहादुर पाल फरार है। एक पीड़िता द्वारा एक व्यक्ति जिनका नाम वीरेंद्र बहादुर पाल है, उनके विरुद्ध अवैध संबंध बनाने, मारपीट करने इत्यादि संबंधित एक तहरीर दी गई थी। उनके साथ 6 तारीख को अपने चैम्बर के पास जाकर गाली गलौज और मारपीट किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब आरोपी सपा नेता वीरेंद्र बहादुर पाल के राजनीतिक रसूख के बारे में भी जान लीजिए। मऊ का सबसे बड़ा सपा नेता है, BSP के दिग्गज नेता और पूर्व विधायक दयाराम पाल का पुत्र है। इसके साथ ही वो सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन का 2 बार अध्यक्ष भी रह चुका है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व में पलने वाले माफियाओं की समानांतर सरकारें चलती थी। कोई जिला ऐसा नहीं था जहां पर कोई ना कोई बड़ा माफिया समानांतर सरकार चला करके आम जनता की आवाज को दबाता था। 17 के बाद एक एक करके माफिया कहां चले गए ये भी आप सब जान रहे हैं। माफियाओं की छुट्टी हो गई, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। सपा नेता पर आरोप लगा तो BJP IT सेल के हेड अमित मालवीय ने सपा पर निशाना साधा और पोस्ट कर लिखा और पूछा, सपा नेता वीरेंद्र बहादुर पाल पर बलात्कार का आरोप, अब अखिलेश यादव DNA टेस्ट की मांग करेंगे। पिछले कुछ दिनों में कई सपा नेताओं की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आई हैं। गुंडों और बलात्कारियों का गिरोह है सपा। BJP का आरोप है कि एक एक कर सपा नेताओं के अश्लील कांड सामने आ रहे हैं। अखिलेश के करीबी एक एक कर रेप के आरोपी बन रहे हैं। अयोध्या से लेकर मऊ तक सपा के कितने नवाब हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज का युग युद्ध का है नहीं, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए 2.5 साल से ज्यादा का वक्त, करीब करीब 3 साल का वक्त होने वाला है।